नमस्कार, आप जोई रह्या छो जीएसटीवी न्यूज अने आपनी साथे हूँ छू ध्वनि। राज्य में वरसाद ना बे दिवस ना विराम बाद हवामान विभागे आगामी 6 जुलाई थी 3 दिवस भारे वरसाद नी आगाही करी छे। हवामान विभाग ना मते आगामी 6 जुलाई दक्षिण गुजरात अने सौराष्ट्र में अति भारे वरसाद पड़ी शके छे, तो 7 अने 8 जुलाई अमदावाद में अति भारे वरसाद नी आगाही करवामां आवी छे। उपरांत वलसाड, दमण, दादरा नगर हवेली सिवाय गीर सोमनाथ, मोरबी, डांग, नवसारी में भारे वरसाद नी आगाही करवामां आवी छे। और 6 तारीख से हेवी रेनफॉल भी शुरू होने का संभावना है। साउथ गुजरात में और कोस्टल सौराष्ट्र में हेवी रेनफॉल हो सकती है। 7 तारीख 8 तारीख में ज्यादा बारिश होने का संभावना है। पूरे गुजरात को बारिश मिलेगी, सौराष्ट्र कच्छ को भी बारिश मिलेगी। लाइट टू मॉडरेट रेन का रहेगा मोस्ट प्लेसेस में, लेकिन हेवी टू वेरी हेवी भी एक्सट्रीमली हेवी रेन भी होने का संभावना है। इमरजेंसी सेवा 108 पासे थी प्राप्त अहेवाल अनुसार गुजरात में आ वर्षे जून सुधी हृदय संबंधित इमरजेंसी 29,417 कॉल सामे आव्या छे। आम प्रत्येक दिवसे 163 जेटला कॉल हृदय की समस्या अंगे आवता होय छे। गत वर्षे कार्डियक संबंधित इमरजेंसी दररोज सरेराश 135 कॉल आवता हता। आ वर्षे अत्यार सुधी प्रत्येक कलाके सरेराश कार्डियक इमरजेंसी 7 कॉल आवे छे। खानगी अने सरकारी होस्पिटल में हृदय संबंधित समस्या साथे दाखल थता दर्दी ने जोवामां आवे तो कही शकाय कि गुजरात में प्रति कलाके सरेराश 10 थी वधु व्यक्ति ने हृदय संबंधित समस्याओनो सामनो करवो पड़े छे। 108 ने आ वर्षे हृदय संबंधित समस्याना कुल 60,000 थी वधु कॉल आवे तेम मनाई रह्यु छे। गत वर्षे हृदय संबंधित समस्याना 49,321 कॉल्स आव्या हता। आम गत वर्षनी सरखामणीए हृदय संबंधित समस्याना इमरजेंसी कॉल्समां 12% નો વધારો થઈ શકે છે। દેશના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં છેલ્લા 6 દિવસ દરમિયાન પડેલા ભારે વરસાદના કારણે ગુજરાતમાં આવતા ટામેટા, આદુ, ધાણા, મરચાંનો સપ્લાય ખોરવાઈ જતા ભાવમાં અસાધારણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે। સૌથી વધારો આદુ તથા ટમેટાના ભાવમાં જોવા મળી રહ્યો છે। દેશના મોટા 20-25 શહેરોમાં ટામેટાનો 1 કિલોનો ભાવ 140-160 રૂપિયા થઈ ગયો હોવાના કારણે મધ્યમ વર્ગ અને ગરીબ પરિવારોનું બજેટ જાણે કે ખોરવાઈ ગયું છે। ઉપરાંત લીલા મરચા, બટેટા, ડુંગળી, રીંગણ, આદુ સહિતના ભાવમાં કિલોએ 20-30% વધારો થયો છે। વરસાદના કારણે આવક ઘટી જતા બજારમાં આદુનો સપ્લાય કિલો દીઠ સરેરાશ રૂપિયા 170ના ભાવે આવ્યો હતો। રાજકોટમાં પીજી વિસેલની બેદરકારી સામે આવી। રાજકોટના શાપર વેરાવળમાં ધડાકાભેર તૂટી પડેલા વીજવાયરમાં 2 બાળકો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા છે, જેમને રાજકોટમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા અને પરિવારજનોએ પીજી વિસેલ સામે રોષ પણ ઠાલવ્યો છે। ટ્રાન્સફોર્મરમાં ધડાકા સાથે વીજવાયર તૂટી પડ્યો હતો। આ વીજવાયર અંકિત પાસવાન અને સુમિત મિસ્ત્રીના માથાના ભાગે પડતા તેઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા। वो बाजू में थमला है लाइन वाला, ने ट्रांसफर है, ट्रांसफर में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद में क्या हुआ कि वो वायर टूट के गिर गया, ठीक ना। 11,000 वोल्ट का वायर है, वो टूट के गिर गया। उसके बाद में आग लग गया। आग लगने के बाद में बाजू में भी आग लगा है और मेरे बच्चे लोग का ये दशा हो गया, देख ही रहे हैं।